बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो है 13 चैप्टर में से वो व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ही है। तो आप पोटेंशियोमीटर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर की डिस्कशन की तरफ। तो पोटेंशियोमीटर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई सर्किट है जिसकी हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी भी सर्किट में या किसी भी डिवाइस का या किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप मेजर करेंगे। तो जो पोटेंशियोमीटर है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट इज कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। यानी कि पोटेंशियोमीटर जो है ये कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट या किसी भी सर्किट के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्यूरेटली मेजर करेगा। और एक्यूरेटली क्यों मेजर करेगा? क्योंकि ये किसी सर्किट में से कोई करंट जो है वो ड्रॉ नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर से पहले वोल्टमीटर या कैथोड ऑसिलोस्कोप जो हैं वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं करके देते। कैथोड ऑसिलोस्कोप जो है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मेजर करके देती है, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। और आपको पता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट हो वो लेबोरेटरीज में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो है वोल्टमीटर, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप सर्किट में पैरेलल लगाते हैं और उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखने के बावजूद वोल्टमीटर जो है वो सर्किट की करंट को ड्रॉ करता है। जो वो सर्किट के करंट को खुद ड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब है वो पोटेंशियल की एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो वोल्टमीटर जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता वैल्यू को। और दूसरी तरफ जो कैथोड ऑसिलोस्कोप है वो बहुत ही एक्सपेंसिव डिवाइस है। तो इस वजह से हमें किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, चीप हो और सर्किट की करंट को भी ड्रॉ ना करे। तो इस पर्पज़ के लिए फिर हम पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही चीप सा इंस्ट्रूमेंट है और ये सर्किट की करंट को भी बिल्कुल ड्रॉ नहीं करता। तो इस तरह ये आपको पोटेंशियल की एक्यूरेट वैल्यू मेजर करके दे सकता है। तो ये था पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल की बेस पर काम करता है? स्टूडेंट्स, आप का जो चैप्टर नंबर 13 का ही टॉपिक था रेजिस्टिविटी, उसमें आपने पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की, वो उस किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक हो गया? अगर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस फॉर्मूला से वी इज इक्वल टू आई आर, जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी जितनी कम रेजिस्टेंस होगी किसी भी वायर की, उतना ज़्यादा पोटेंशियल उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम पोटेंशियल उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है पोटेंशियल अगर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो इसका मतलब है पोटेंशियल का और लेंथ का भी कोई रिलेशन होगा। इनडायरेक्ट रिलेशन है कि पोटेंशियल जो है वो फिर लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसको अगेन पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आपने वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है, लेकिन अगर कांस्टेंट होगा तो फिर वो रेजिस्टेंस को वेरी नहीं करेगा। तो इसलिए हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ही कह दिया कि वो कांस्टेंट लेंगे आप। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ व्हेन अ कांस्टेंट करंट पासिस थ्रू इट। तो इसका मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पोटेंशियल भी उतना होगा। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कब होगा? जब आपने वायर का एरिया भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखना है, और साथ ही साथ वायर में से गुजरने वाला जो करंट है वो भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इस प्रिंसिपल की बेस पे हम काम करेंगे। अब आप आते हैं पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो जो पोटेंशियोमीटर है ये रियोस्टेट की तरह ही होगा। जो रियोस्टेट था उसमें भी आपने एक वायर यूज़ की थी, उस वायर की कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी, और वो वायर जो थी आपने दो टर्मिनल्स के बीच में फिक्स कर दी थी, ए और बी के बीच में। अब एक थर्ड टर्मिनल था सी, जो कि इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है ए से बी के बीच में। जैसे जैसे आप ए की तरफ जाएंगे, हमारी जो लेंथ है
जो हमारी रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप बी की तरफ मूव करेंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी की तरफ मूव करवाएंगे, वैसे वैसे ही जो है रेजिस्टेंस वो इंक्रीज होती जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह आप एक वायर यूज़ करेंगे, उस वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी जो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आप उस वायर को ए और बी के बीच में लगा देंगे और एक थर्ड टर्मिनल है सी जो कि ए और बी के ऊपर स्लाइड कर सकता है। इस टोटल जो वायर की लेंथ है या इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर, और ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर है। ठीक हो गया। अब जो हमने लिखा वह उसको भी जरा पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर आर इन द फॉर्म ऑफ अ वायर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बिल्कुल वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। अ थर्ड टर्मिनल सी कैन स्लाइड ऑन इट। ए और बी के ऊपर थर्ड टर्मिनल सी जो है वो स्लाइड कर सकता है। द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, अब ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है कैन बी वेरीड फ्रॉम जीरो टू आर। ये वैल्यू जीरो से आर तक वेरी कर सकती है जैसे जैसे ऑन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी मूव फ्रॉम ए टू बी। तो जैसे ही ये जो सी है ए से बी के बीच में मूव करेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो जीरो से आर तक वेरी कर सकती है। अब जी आपने इस वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर को सर्किट के अंदर किस तरह इस्तेमाल करना है, ये नीचे वाला जो सर्किट का पोर्शन है इसको फिलहाल मैंने हाइड कर दिया। अभी आप ऊपर वाले को कंसीडर करें। ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में कोई रेजिस्टर आर लगा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये एक वायर है जिसकी लेंथ है आर, जिसकी लेंथ है एल, और उस लेंथ की वायर की रेजिस्टेंस है आर। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने क्या कर देना है, एक बैटरी लगा देनी है जिसकी ईएमएफ आपको पता होगी। ठीक हो गया। अब जी आपने ये लगा दी तो क्या होगा, अब थर्ड जो टर्मिनल है सी उसको भी आप कंसीडर करें। ये एक थर्ड टर्मिनल सी है जो इस ए बी वायर के ऊपर मूव कर सकता है। बीच में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि वोल्टेज मेजर करके बताएगा आपको। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस टर्मिनल सी को ए की तरफ अगर मूव करेंगे तो ए और सी के बीच में जो है रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगी स्टूडेंट्स, जो है ये वोल्ट मीटर हमें ज़्यादा पोटेंशियल मेजर करके बताएगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ये सी जो है इस तरफ बी की तरफ मूव करेगा तो ए और सी के बीच में जो है वोल्टेज उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो वोल्टेज कम होगा। इस वोल्ट मीटर ने हमें मेजर करके बताना है कि वोल्टेज कम हो रहा है या ज़्यादा। तो इसका मतलब है इस सी को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँगी तो लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर इस तरफ लेके जाऊंगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू कम है, उसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ये बड़ी रेजिस्टेंस, इसको आपने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जी होगा क्या, व्हेन अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस आर, जब इस आर के अक्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है तो जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो आपको किस तरह पता चलेगा, वो आपको बाय ओम्स लॉ पता चलेगा जो कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है। और वी जो होता है वो ईएमएफ या वोल्टेज ए की बात है, तो उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया और ई इज इक्वल टू आई आर होगा। यहां से अगर आपने करंट की वैल्यू निकालनी है तो करंट इज इक्वल टू ई ओवर आर, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर वन है। अब लेट आर, ये जो आर थी, लेट आर बी द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है। देन पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीज पॉइंट्स इज गिवन बाय, अब ए और बीच सी के बीच वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपने मेजर करना है। तो वो किस तरह से आएगा, उसको पहले तो हम रिप्रेजेंट करेंगे वी ए सी से, यानी कि ये पोटेंशियल है बिटवीन ए एंड सी जो कि किसके इक्वल होगा, आई आर के ही इक्वल होगा। अब आर मैंने स्मॉल वाला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको आपने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा जी, वी ए सी इज इक्वल टू आई आर हो गया, और आई की जो वैल्यू है बाई इक्वेशन नंबर वन ई ओवर आर के इक्वल है। तो वी ए सी इज इक्वल टू ई ओवर आर इन टू ये वाला आर आ गया। अब अगर मैं इस तरह करूं कि इस ई को इधर ले जाऊं और वी ए सी इज इक्वल टू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इन टू ई, अब ये जो थी ये वाली, इतना तो हम काम कर चुके थे पोटेंशियल डिवाइडर में भी, जब हमने रियो स्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर किया था तो इतना हमने काम किया हुआ था कि जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसकी पोजीशन डिसाइड करेगी कि इस वक्त कितना पोटेंशियल है यहाँ टर्मिनल ए यानी पॉइंट्स ए और सी के बीच में। तो इसका मतलब है ये जो सारा सर्किट है ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला ही सर्किट है, इसी को हम एज पोटेंशियो मीटर यूज़ करेंगे।
तो क्या करके दे रहा है, ये हमें पोटेंशियल को डिवाइड करके दे रहा है। किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 वोल्ट की एक बैटरी है, ये 100 वोल्ट की बैटरी आपके पास लगी हुई है, ठीक हो गया। आपने एक मोबाइल को चार्ज करना है जो कि तकरीबन 9 वोल्ट लेता है। अब आपने 100 वोल्ट तो नहीं देना ना अपने फ़ोन को, आपने तो 9 वोल्ट देना है। तो इसके लिए फिर पोटेंशियल डिवाइडर के सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पोटेंशियल को 100 से 9 वोल्ट तक ड्रॉप करके आपके सेल को प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। तो जी कुछ पॉइंट्स आगे लिखे हुए, एज सी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू आर। हाँ जी, सी जैसे ही ए से बी की तरफ मूव करेगा तो जो रेजिस्टेंस है जीरो से आर तक वेरी कर सकती है, एंड पोटेंशियल ड्रॉप चेंजेस फ्रॉम जीरो टू ई। तो उसी तरह पोटेंशियल ड्रॉप भी जो है वो जीरो से बढ़ते 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 ई तक जा सकता है। सच एन अरेंजमेंट इज नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि ये वाली जो अरेंजमेंट है जिसमें आप पोटेंशियल को जीरो से ई के बीच में किसी भी वैल्यू पे ले सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, पोटेंशियल डिवाइडर। अब यहाँ तक तो हमने पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी, हमने पढ़ा कि ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला ही सर्किट यहाँ पे यूज़ होगा। तो हम इस पोटेंशियल डिवाइडर के सर्किट को किसी सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एन अननोन ईएमएफ। अब जिस सेल की आपने ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, आप क्या करेंगे, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी उस सेल को लगा देंगे। ये कोई एक ऐसी बैटरी है जिसकी ईएमएफ आपको पता नहीं है, आपने ए और सी के बीच में इसको लगा दिया, साथ में अब आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जब भी सर्किट में करंट एग्जिस्ट करेगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक हो गया। और ये पहले से जो सेल लगा हुआ है इसकी ईएमएफ आपको पता है। अब जो लिखा हुआ है वो क्या है, कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ईएक्स व्हिच इज टू बी डिटरमिन्ड। एक सेल ऐसा है जिसकी ईएमएफ है ईएक्स, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी, ये ए और सी के बीच में आपने दरमियान में ये लगा दिया है थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, यानी कि साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर भी लगाया है। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपने माइंड में रखने हैं, ऑल हायर पोटेंशियल्स मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉइंट ए, यानी कि हायर पोटेंशियल कौन सा होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, तो ये जो सारे पॉजिटिव टर्मिनल हैं ये दोनों ए पॉइंट के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। आपने इस तरह नहीं करना कि ये जो है ये पॉजिटिव लगा हुआ और इसका इस सेल का आप इधर नेगेटिव कर दें, इधर भी इस सेल का पॉजिटिव ही आना चाहिए। अच्छा जी, सारे जो हैं हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल्स वो आपने पॉइंट ए के साथ कनेक्ट करने हैं। ऑल लोअर पोटेंशियल्स मस्ट बी कनेक्टेड टू बी और जॉकी। अब जो सारे लोअर पोटेंशियल वाले हैं यानी नेगेटिव वाले हैं जो, ये इस बी पॉइंट के साथ या इस सी पॉइंट, जॉकी को, सी को हमने जॉकी बोला क्योंकि ये स्लाइड कर सकता है इस वायर के ऊपर। सारे लोअर पोटेंशियल वाले जो हैं टर्मिनल उसको आपने बी या जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ नॉन पोटेंशियल ई मस्ट बी ग्रेटर देन दी अननोन पोटेंशियल ई एक्स। अब इस बैटरी की जो वैल्यू है ई, ये इस वाली बैटरी से बड़ी होनी चाहिए, इसकी भी एक वजह है जो हमें एंड पे पता चलेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, द डायमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी सेम एवरीवेयर। हाँ जी, तो जो पोटेंशियोमीटर के लिए हमने वायर यूज़ की है, इसका डायमीटर हर जगह पे सेम रहना चाहिए, क्योंकि डायमीटर एरिया के साथ कनेक्टेड है और एरिया जो है वो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो अगर डायमीटर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगी। इस सिचुएशन में हमने रेजिस्टेंस को वेरी नहीं करने देना, ठीक है, क्योंकि हमें एक सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो अभी तक जो आपने पॉइंट्स देखे, आपने देखा कि आपने क्या किया है, एक पोटेंशियल डिवाइडर वाला सर्किट उठाया और उसके साथ ही आपने ए और सी के साथ बीच में आपने एक अननोन ईएमएफ वाला सेल लगा दिया थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। अब क्या होगा, जब आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करेंगे ए और सी के बीच में, तो कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे ही फॉर एग्जांपल आप समझें कि आपने सी को इधर रखा हुआ है, तो मे बी गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो इस तरफ को डिफ्लेक्शन दे दे, ठीक है। आप इस सी को उठा कर इधर लेके आ रहे हैं तो मे बी ये इस तरफ को डिफ्लेक्शन दे दे, ठीक हो गया। अब मूव करते करते दरमियान में कहीं पे कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगी, यानी स्ट्रेट रहेगी। तो हमें वो वाला पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगी। तो हमने क्या करना है, सी को मूव करते करते किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर रखना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन ना दे, इसको बोलते हैं नल कंडीशन, ठीक है जी। हमने नल कंडीशन जो है वो ऑब्टेन करनी है।
जब गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगी तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि इस सेल की ईएमएफ जो होगी यानी ई एक्स वो ए और सी के बीच में एग्जिस्ट करने वाले पोटेंशियल के ही बराबर होगी। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इस जो सेल है इसकी ईएमएफ क्या है, क्योंकि इसकी ईएमएफ अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो उसी के ही बराबर होगी। तो वो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह हम सेल की ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जी ये कुछ पॉइंट्स जो भी मैंने बोले हैं ये लिखे भी हूँ मैं, इनको पढ़ लेते हैं हम। दस टू मेजर द पोटेंशियल ई एक्स, अब जो सारा मैंने आपको बताया ई एक्स फाइंड आउट करने के लिए, द पोजिशन ऑफ सी इज सो एडजस्टेड दैट गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी को इस जगह पर उस जगह पर रखना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे। एट दैट पॉइंट द ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी। उस पॉइंट पे सेल की ईएमएफ जो होगी वो ए और सी के बीच में पोटेंशियल के बराबर होगी। तो इक्वेशन किस तरह से लिखी जा सकती है, जैसा कि आपने कहा था कि वी ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, आर ओवर कैपिटल आर इंटू ई के बराबर होगा। अब ये वी ए सी क्या था, ए और सी के बीच में पोटेंशियल था। अब हम इसी को कह रहे हैं कि जो ए और सी के बीच में पोटेंशियल होगा वो अननोन सेल की ई एम एफ के बराबर होगा। तो जी लिखें आप ज़रा, इस वी ए सी को आप लिख सकते हैं इक्वल टू ई एक्स, क्योंकि हमने खुद कह दिया है कि ये सी के बराबर होगा जब हमें नल कंडीशन ऑब्टेन होगी। तो ई एक्स इज इक्वल टू ई इंटू आर ओवर आर, बिल्कुल उसी इक्वेशन को मैंने लिख दिया है, सिवाय वी ए सी के जगह मैंने ई एक्स लगा दिया है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंस रेजिस्टेंसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस को स्मॉल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे और कैपिटल रेजिस्टेंस को कैपिटल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे। इस बात का ये मतलब है कि अब हम स्मॉल आर की जगह स्मॉल एल पुट कर सकते हैं, कैपिटल आर की जगह कैपिटल एल पुट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इक्वेशन नंबर फोर इन द टर्म्स ऑफ लेंथ। अब इक्वेशन फोर को इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखना है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस नहीं लिखना। ठीक है जी। तो ई एक्स इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर कैपिटल, सॉरी स्मॉल एल ओवर इधर कैपिटल एल आएगा, क्योंकि अब इसको लेंथ की टर्म में आपने लिखना है। तो वेयर एल इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर ए बी, जैसे कि हमने कहा था लेंथ की टोटल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर कहा था, उसी तरह अब आपने लेंथ की वायर की टोटल लेंथ को क्या बोलना है, कैपिटल एल, और ए और सी के बीच में जो आपने स्मॉल आर कहा था उसको अब आप बोलेंगे स्मॉल एल। ठीक हो गया। द अननोन ई एम एफ ई एक्स शुड नॉट एक्सीड ई, अदरवाइज नल कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। अब जो मैंने कहा था कि जो बैटरी आपने जिसकी ई एम एफ मालूम करनी है यानी ई एक्स, इसकी ई एम एफ इस बैटरी की ई एम एफ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नल कंडीशन जो है वो हमें नहीं मिलेगी। अगर नल कंडीशन नहीं मिलेगी तो फिर आप अननोन बैटरी की ई एम एफ फाइंड आउट करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। तो इसका मतलब है कि जो बैटरी की ई एम एफ है यानी ई एक्स की ई एम एफ है वो इससे छोटी होनी चाहिए। सो द पोटेंशियोमीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल। तो जी अब क्या हुआ है कि ये एक सिंपल सा सर्किट था जिस सर्किट ने कोई करंट ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ आपने क्या किया है एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यूज़ किया है ए और बी के बीच में, इस तरह आपने पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया है। और आपने क्या किया है कि एक किसी भी सेल जिसकी ईएमएफ आपको पहले से नहीं पता थी उसकी ईएमएफ आपने फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर जो है एक बहुत ही चीप सा और बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम एक्यूरेट ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। अब जो पोटेंशियोमीटर है इसका एक और भी यूज़ है कि ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स भी कर सकता है, यानी दो सेल्स की ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब हम तो क्या करेंगे, वही सर्किट यूज़ करेंगे, बिल्कुल इतना ये वही है। अब नीचे क्या किया, दो सेल लगा दिए हैं, एक ई वन और दूसरा ई टू, क्योंकि हमने इनकी ईएमएफ कंपेयर करनी है। अब जब आपने इसके साथ कनेक्ट करना है ना गैल्वेनोमीटर को, और इसको जोकी को मूव करवा के आपने नल कंडीशन ऑब्टेन करनी है, तो आप क्या करेंगे, नल कंडीशन के ऊपर क्या होगा, ई वन इज इक्वल टू एल वन ओवर कैपिटल एल इंटू ई होगा। अब क्या करें, इसके साथ इसका कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दें, गैल्वेनोमीटर को इसके साथ अटैच कर दें आप।
जब इसके साथ अटैच करेंगे आप तो क्या होगा कि नल कंडीशन जब आप ऑब्टेन करेंगे तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी ई टू इज इक्वल टू एल टू ओवर कैपिटल एल इंटू ई। ये दोनों इक्वेशंस आपको मिल गई जब, तो आप क्या करें, ई वन ओवर ई टू रखें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, एल एल से कैंसिल, ई ई से कैंसिल, एल वन ओवर एल टू आ गया। तो इस तरह से आपने दो सेल्स की ईएमएफ फाइंड आउट करके उनको कंपेयर भी कर लिया है। तो जी वो किसके इक्वल आएगी, एल वन ओवर एल टू के इक्वल आएगी। दिस इज द इक्वेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जी, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है। टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ प्राइमरी सेल, पोटेंशियोमीटर जो है कि किसी भी प्राइमरी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टू फाइंड अननोन ईएमएफ यानी ईएक्स, किसी भी सेल की ईएमएफ अगर आपको नहीं पता तो वो आप पोटेंशियोमीटर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। टू कंपेयर टू ईएमएफ्स, अभी आपने देख लिया कि दो ईएमएफ जब आप कंपेयर करेंगे तो ये दो लेंस के इक्वल आएंगी। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंसेस, आप रेजिस्टेंसेस का कंपैरिजन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। टू कैलिब्रेट वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, आप एम मीटर और वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब जी एंड पे जो क्वेश्चन है ये मैं आपको तकरीबन शुरू में बता ही चुकी हूँ कि वाई पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करेंगे हम। तो वोल्ट मीटर भी है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी है, और एक और है एवोमीटर। ये भी जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल मेजर कर सकता है, लेकिन ये तीनों जो है इन सब से बेटर जो है पोटेंशियोमीटर है। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर जो है ये चीप तो है बट ये करंट ड्रॉ करता है सर्किट में से, और सीआरओ और एवोमीटर जो है ये जो दोनों हैं ये करंट तो ड्रॉ नहीं करते सर्किट में से, लेकिन ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट हैं। तो बजाय इन तीनों पे हम जाएं, हम इस चॉइस पे आते हैं यानी पोटेंशियोमीटर पे। सो पोटेंशियोमीटर इज़ अ वेरी चीप एंड एक्यूरेट टू मेजर दी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही चीप सा इंस्ट्रूमेंट है और पोटेंशियल की हमें एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करके देता है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है कि आप वोल्ट मीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करेंगे। तो क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करके देगा, और दूसरा जो है ये एक बहुत ही चीप सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पोटेंशियोमीटर।